नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, RRC ग्रुप डी भर्ती 2019 के रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। दोस्तों, फाइनली आप लोगों का इंतजार समाप्त हो गया है, जो CCPWD एक सर्विस मैन कैंडिडेट है। अभी अभी RRC NWR के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करा दिया गया है और DB और मेडिकल के बाद फाइनल फाइनलिस्ट जारी करा दिया गया है और उनका पोस्ट अलाटमेंट भी जारी हो गया है। तो आप लोगों का फाइनली जो इंतजार था वो समाप्त हो चुका है। जो CCA और PWD या सर्विस मैन कैंडिडेट हैं उनका पार्ट वन पैनल लिस्ट जारी करा दिया गया है RRC NWR जयपुर जोन की तरफ से। और यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर देखते हैं क्या क्या नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, तो डिटेल वाइज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों फाइनली RRC NWR की ऑफिशियल वेबसाइट आ गया है। ये रहा आपका RRC जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट, यानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर की ये वेबसाइट है। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पर ही ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया। आप जैसे इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे साइट आएंगे तो आपको यहाँ पर ही नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ये लेटेस्ट न्यूज करके यहाँ पर दिया गया है, न्यूज इवेंट करके दिया गया। तो आप यहाँ पर जैसे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर व्यू ऑल पर करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, वेलकम टू रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जयपुर, यहाँ पर लेटेस्ट करके यहाँ पर नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। ये वाला यहाँ पर देख सकते हैं, पब्लिकेशन फॉर द प्रोविजनल पार्ट पैनल ऑफ CCA यक सर्विस मैन एंड PH फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन लेवल 1 7 CPC पे मैट्रिक्स अगेंस्ट CA नंबर RRC 01/2019। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। ये रहा आपका नोटिफिकेशन जो यहाँ पर जारी किया गया नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर की जोन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया कि आपकी जो केंद्रीय रोजगार सूचना संख्या यहाँ पर दी गई है, उसके बाद 01/2019 जो, और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ऑनलाइन परीक्षा जो चली थी वो 17/8/2022 से 11/10/2022 तक चली थी, और शारीरिक दक्षता परीक्षा जो चली थी 11/1/2023 से 21/1/2023 तक। उसके बाद आपका दस्तावेज सत्यापन जो चला था वो 12/2023 से 1/3/2023 तक चला था। इसमें ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई। इसके बाद नीचे यहाँ पर मेंशन किया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो बताया गया केंद्रीय रोजगार सूचना संख्या RRC 01/2019 के तहत लेवल 1 पद के लिए भर्ती हेतु रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित किए गए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर यह सूचीबद्ध किए गए दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थी और CCA अभ्यर्थी जो हैं उनका यहाँ पर दिया गया है कि 1/16/2023 से 21/2023 तक आयोजित शारीरिक दक्षता में सफल रहे अभ्यर्थियों का सत्यापन अभ्यर्थी जांच के उपरांत निम्नलिखित कैंडिडेट का, यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर बताया गया है कि जो 387 अभ्यर्थी EX सर्विस मैन कैंडिडेट हैं यहाँ पर मेंशन किया गया है, और टोटल 387 अभ्यर्थियों का पार्ट पैनल लिस्ट जारी किया गया है, जिसमें EX सर्विस मैन है वो 48 और जो PWD VI कैटेगरी में 54 और LD कैटेगरी में 39, MD कैटेगरी में 2 और HI कैटेगरी में 9 एंड CCA जो कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर 244 कैंडिडेट को अंतिम रूप से प्रोविजनल यहाँ पर चयनित किया गया है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। और उसके बाद रूप से चयनित कर नियुक्ति के लिए पार्ट पैनल 1 में रख दिया गया, यानी इनका पार्ट पैनल जारी करा दिया गया। जो CCA PWD कैंडिडेट हैं और EX सर्विस मैन हैं और जो PWD कैटेगरी वाइज हैं उनका पार्ट पैनल जारी करा दिया गया। तो आप यहां पर देख सकते हैं इनका नाम दिया गया है, तो आप अपना जो नाम रोल नंबर है वो सब देख सकते हैं। यहाँ पर EX सर्विस मैन का दिया गया है रोल नंबर, और यहाँ पर PWD जो LD कैटेगरी में उनका दिया गया है, और यहाँ पर CCA का रोल नंबर दिया गया है, तो आप अपना रोल नंबर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी ये लिस्ट जारी कराई गई है। तो
यहाँ पर देख सकते हैं पूरा। और MD कैटेगरी में यहाँ पर दिया गया है, MD HI और VI में दिया गया है, तो आप लोग अपने हिसाब से कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख लीजिए। पूरा यहाँ पर पैनल लिस्ट जारी करा दिया गया है और यहाँ पर नीचे मेंशन भी किया गया है, उपरोक्त जो नोट में दिया गया है, उपरोक्त परिणाम माननीय न्यायालय में लंबित प्रकरणों में दिए जाने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। और ये जो दिया गया अभी जो कोर्ट केस चल रही है उसके अधीन रहेगी, यानी अगर जो ऐसी भी उसके वहाँ पर निर्णय कोई भी निर्णय आती है तो ये इसमें रिजल्ट में परिवर्तन किया जा सकता है। तो यहाँ पर दिया गया है दूसरे नंबर में, यहाँ पर दिया गया अनुपयुक्त पाए गए अभ्यर्थी को समुदायवार पार्ट पैनल में रखे जाने वाले अभ्यर्थी को शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा, कृपया वेबसाइट का आकलन करते रहें, यानी वेबसाइट आप देखते रहें जिनका भी पार्ट पैनल में नाम अभी नहीं आया हुआ है। यहाँ पर दिया गया अन्य उम्मीदवार को उनका भी पार्ट पैनल में शीघ्र ही जारी किया जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर देखते रहिए। इसके बाद यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है कि ये जो उपरोक्त परिणाम तैयार करने में पूर्णतः सावधानी बरती गई है, अनजाने में अगर भूल से कोई भी गलती हो गई है तो इनकार नहीं किया जा सकता, RRC जयपुर इसमें सुधार करने का अधिकार उसके पास सुरक्षित है। ये 15/3/2023 को नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था RRC के द्वारा, और यहाँ पर ये सब चीज़ें दी गई है कि आपको सलाह दी जाती है कि असावधानिक तथ्यों के चक्कर में न पड़े, जो भी ये परिणाम जारी किया गया वो लिखित परीक्षा के आधार पर जारी किया गया और इसमें किसी के झांसा में ना आए और पैसे आदि ना दे, ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया। तो आप लोगों का ये पार्ट पैनल जारी करा दिया गया, अब वो आप लोगों का जो कॉल लेटर आएगा वो आपके जो RRC के जोन डिवीज़न होते हैं उनके द्वारा ये यहाँ पर जारी कराया जाएगा, यानी अब आपकी जो आपको जो चॉइस आपने RRC के द्वारा आपने भरा था कि आपको इस डिवीज़न पर जो नौकरी मिल जाए, लोकेशन ने अपना लोगों ने डाला था उस लोकेशन के द्वारा आपको यहाँ पर आपको कॉल लेटर आपके घर आपको भेज दिया जाएगा और आपको मेल आईडी पर भी सूचित किया जाएगा, तो आप लोग अपना मेल आईडी भी चेक कर लीजिएगा। और अगर आप कैसे सिलेक्ट हैं तो आपको कैसे देखना है, जैसे आप लोगों का रोल नंबर कहाँ से चेक करना है, तो अपना रोल नंबर यहाँ से अगर जैसे इसमें है तो आप लोग यहाँ पर अपना रोल नंबर आके इस वाले लाइन में आप लोगों को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना रोल नंबर आपको पेस्ट कर देना। जैसे आप पेस्ट करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर शॉर्टली इस तरीके से आप लोगों को रोल नंबर यहाँ पर दिखाई दे देगा, ये वाला यहाँ पर ये रोल नंबर मैंने डाला और यहाँ पर ये CCA कैंडिडेट है, इनका यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया गया, तो आप लोग अपना नंबर यहाँ पर सर्च करके देख सकते हैं। कोई भी डाउट है तो बेचक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। तो यहाँ पर जो CCA PWD कैंडिडेट हैं और ये सर्विस मैन है उनका फाइनली यहाँ पर रिजल्ट पार्ट पैनल जारी करा दिया गया। आप लोगों को यहाँ पर जो आपकी नियुक्ति का पार्ट पैनल होता है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। धन्यवाद, कीप एंड टच।